हेलो दोस्तों, आप सभी का एक जाम्बो एड में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और यह हमारी रहेगी प्रैक्टिस क्लास 2। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहे कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहे कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तब तो हमें भाजक बताना है क्या होगा। तो भाज्य का फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। यहाँ पर भाज्य कितना है? तो 1043 है। भाजक हमें ज्ञात करना है, हम एक्स मान लेते हैं। भागफल हमें कितना दिया है? 11, और शेषफल हमें दिया है 20। तो 20 इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। 1043 माइनस 20 इक्वल टू एक्स इंटू 11। यहाँ से आएगा 1023 इक्वल टू एक्स इंटू 11। तो एक्स बराबर आएगा 1023 अपॉन 11। 11 से आएगा 9 बार बचा 3 और 11 33, तो एक्स बराबर आया 93। तो भाजक कितना आया? 93। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 93। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 2। प्रश्न दो के कह रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। हमें वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो क्या होगा? संख्या बराबर 14, 21, 28 और 35 का हम निकालेंगे एलसीएम, और जो 5 शेष बचे उसे हम ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 14, 21, 28, 35 का एलसीएम कितना हुआ? तो 420 प्लस 5, तो 425। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 425 होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 425। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहे कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या क्या है यह हमें बताना है। यहाँ पर 5 संख्याओं का योग कितना दिया है? 240, जिसमें से पहली दो संख्याओं का योग कितना आएगा? तो ये आएगा 30 × 2 बराबर 60। औसत बराबर क्या होता है? दिए गए परिणामों का योग अपन परिणामों की संख्या। तो योग कैसे आएगा? योग बराबर होगा संख्या चल जाएगा, तो औसत गुणित संख्या। उसके बाद अंतिम दो संख्याओं का औसत, तब हम यहाँ निकाल सकते हैं अंतिम दो संख्याओं का योग। तो औसत है 70 इंटू संख्या कितनी है? 2, तो ये होगा 140। हमें क्या याद करना है? तीसरी संख्या हमें यहाँ पर बताना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 5 संख्या का योग कितना है? 240। इसमें से हम माइनस कर देंगे पहली दो संख्या का योग 60 और अंतिम दो संख्या का योग 140। तो ये हो जाएगा 240 माइनस 200, तो हो गया 40। तो तीसरी संख्या कितनी होगी?
40। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न चार की कह रहा है कि त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है यह हमें बताना है। यहाँ पर कौन कौन है, तो त्रिशा है और शालिनी है। हम मान लेते हैं इनकी आयु 7x और 6x है। अब क्या कह रहे हैं कि 8 वर्ष बाद, तो त्रिशा की आयु होगी 7x+8 अपॉन शालिनी की आयु होगी 8 वर्ष बाद 6x+8 = 9/8। 8 का गुणा इधर होगा तो 8×7=56x, 8×8=64x, 9×6=54x+9×72। 54x इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2x बचेगा सिर्फ, और ये 64 इधर जाएगा तो 8। 2 से आएगा ये 4 बार, तो x का मान आया 4। x का मान यहाँ रखेंगे तो 7×4=28 वर्ष, और यहाँ पर रखेंगे तो 6×4=24 वर्ष। प्रश्न में क्या पूछा है कि इनकी आयु में कितना अंतर है, तो अंतर कितना है 28 - 24, तो 4 वर्ष का। हमारा आंसर कितना हुआ, तो 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पाँच के कह रहे कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे यह हमें बताना है। यहाँ पर कौन कौन है, गर्ल्स है और बॉयस है। गर्ल की संख्या कितनी है 900 और बॉयस की है 1100। गर्ल में 40% उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 60%, तो 900 का 60%। 200 से 200 कैंसिल आएगा, 9×6=540। तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या कितनी है 540। अब बॉयज़ की हम बात कर लेते हैं, 50% उत्तीर्ण हुए, तो 50% क्या होंगे अनुत्तीर्ण होंगे, तो 1100 को 50%। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये हो गया 11×5=55, तो 550। हमें यहाँ पर परसेंटेज में बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 900 और 1100, 2000। अनुत्तीर्ण कितने हैं 540 और 550, तो 1090×100। 200 से 200 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 109/2। 2 से आएगा 2×5=10, 2×6=8, बचा 1, 2×5=10, तो 54.5%। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 54.5%। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहे हैं कि एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह इस पर 15% बट्टा देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है यह हमें बताना है। यहाँ पर CPA, MP और SP। हम मान लेते हैं कि जो वास्तविक मूल्य वह 100 है और इससे वह 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो मार्क पेज कितना आएगा 140, और वह बट्टा कितना देता है 15%, तो ये SP आएगा 140×85%। 100 से 100 कैंसिल, 5 से आएगा 2 बार, 5 से आएगा 17 बार, 2 से आएगा 7 बार, तो 17×7=119। तो 100 का खरीदा है और 119 में बेच रहा है, तो 19 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। CPA 100×100, 100 से 100 कैंसिल, तो 19%। तो प्रॉफिट कितना आया, तो 19% प्रॉफिट, 19% होगा, हमारा आंसर आएगा 19%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 7। प्रश्न 7 के कह रहे हैं कि
दो नल ए एवं बी एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यह हमें बताना है। यहाँ पर दो नल है, ए है और बी, दोनों ही टंकी को भर रहा है। पहले नल 10 घंटे में भरता है, दूसरा नल 15 घंटे में भरता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। यह टंकी की टोटल कैपेसिटी होगी। हम मान लेते हैं कि यह टोटल जो कैपेसिटी है 30 लीटर की है। ए जो है 30 लीटर को भरने में 10 घंटे लगाता है, तो एक घंटे में 3 लीटर भरेगा और बी जो है 2 लीटर भरेगा। तो दोनों मिलकर एक घंटे में कितने भरता है? 5 लीटर। तब हमें बताना है कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। टोटल है 30, दोनों मिलकर एक घंटे में 5 भरते हैं, तो 5 से आ गए 6 बार, तो 6 घंटे। तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो 6 घंटे। दोनों नल को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में 6 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा यह हमें बताना है। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 6 से आएगा 3 बार, 6 से आएगा 10 बार, तो 10 और 5 50, तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो सिग्नल पोस्ट है इसकी कुछ भी डिस्टेंस नहीं होगी। टोटल डिस्टेंस किसकी होगी? तो 750 रेलगाड़ी की, तो 750 मीटर। हमें क्या निकालना है? टाइम बताना है। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? तो 750। स्पीड है 50/3, तो 750/50 तीन ऊपर चल जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 5 से आएगा ये 15 बार, तो 15 दिया 45, तो 45 सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा? तो 45 सेकेंड का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आप देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहे कि 15,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यह हमें बताना है। यहाँ पर जो मूलधन है वह कितना दिया है? 15,000 रुपये। रेट है 10% और समय जो दिया है वह दिया 2 वर्ष का। तो हमें यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कितना होगा। 15,000 का 10% हम निकालेंगे। 10% का हम क्या लिख सकते हैं? 10/100। तो यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/10। तो 1500 का 1/10 कितना होगा? तो 15,000 का 1/10 कितना होगा? तो 1500 होगा। ये पहले वर्ष का है। अब दूसरे वर्ष का 1/10 निकालें कितना आएगा? ये भी 1500 होगा। और इस पहले वाला पहले वर्ष का जो ब्याज निकला 1500, इसका भी 1/10 आएगा, कितना आएगा? 150। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 1500 1500, 3000 प्लस 150, तो ये आएगा 3150 रुपये। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 3150 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे। प्रश्न 10। प्रश्न 10 का कह रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं घन की जो प्रत्येक भुजा है वह 1 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? √3a। और प्रश्न में क्या दिया है? 9√3। √3 से √3 कैंसिल लगा, तो a बराबर आया 9 सेंटीमीटर।
अब हमें प्रश्न पूछ क्या पूछा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6a² 6 into a कितना है? 9 है, तो 9 into 9 9 9 81, तो 6 into 81, 6 6 6 8 48, तो 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था SSC GD एग्जाम के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास 2। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।